अब आप यहाँ पे देखें, इफ का एक और इस्तेमाल देख लें कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है, और यहाँ पे है कोर्स और आगे है फीस, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा आ गया कि वन क्या नाम है, मिसाल के तौर पर माजिद, कौन सा कोर्स करना चाहता है, वो कहता है कि मैं एमएस ऑफिस करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एमएस ऑफिस देखूँ, यहाँ पे उसकी फ़ीस आनी चाहिए खुद ब खुद, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। इसके लिए देखें दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे पहले तो आप एक लिस्ट बना लें कि मुझे यहाँ पे टाइपिंग की ज़रूरत भी ना हो। एक बंदा इस लिस्ट में सेलेक्ट करे कि नेटवर्किंग, ऑटोमेटिकली उसके सामने उसकी फ़ीस आ जाए। तो ये कैसे होगा, लिस्ट में आपको बनाना पहले सिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखें मैंने पहले लिख लिया कि एम एस ऑफिस, ठीक है। दूसरा कोर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया नेटवर्किंग, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया डेटाबेस, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख लिया कि हार्डवेयर, और क्या हो सकता है, एक और कोर्स कहते हैं C++। ये कोर्सेज हैं, ठीक है। ये मेरे पास एकेडमी में साल 5 कोर्सेज हैं, इसको मैं यहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ। इधर आ जाऊँगा, कहाँ पे जाऊँगा, डेटा में, और फिर किस में आ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह आप क्या ले लोगे, लिस्ट, और इसको क्लिक करके ये लिस्ट इसको बता दोगे, और दोबारा इस पर क्लिक करके यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, इसको मैं सेलेक्ट करके चलो यहाँ तक ले आता हूँ, और इसकी मैं बाउंड्री बना लेता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ तक हम काम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा आके कौन सा कोर्स करना चाहते हो, इसमें से कोई कोर्स सेलेक्ट किया जाए, मिसाल कि हार्डवेयर। जैसे ही मैं हार्डवेयर सेलेक्ट करूँ, मैं कहूँगा यार इतनी फ़ीस है इसकी, खुद ही फीस आ जाए। तो ये हम कर सकते हैं इस तरह कि अगर कहते हैं कि इफ़ दिस सेल इक्वल टू एम एस ऑफिस, इफ़ दिस सेल इक्वल टू एम एस ऑफिस, तो उसके सामने फ़ीस 2000। इफ़ दिस सेल इक्वल टू हार्डवेयर 3000, इस तरह किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आप आ जाए, आपके पास कितने कोर्सेज हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले आप एम एस ऑफिस देखेंगे, आप इसमें से कोई भी किसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएँ, देखें इज इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाला सेल, अब इसमें ग्रेटर देन लेस देन की बात नहीं होगी क्योंकि ये नंबर्स तो नहीं है ना, इसमें सिर्फ बात होगी इक्वल की, कि अगर ये वाला सेल बराबर है, किसके बराबर है, चलो पहला मैंने लिख लिया कौन सा, एम एस ऑफिस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा, तो उसकी फ़ीस है कितनी, 3500। दूसरा आप बताएँ कॉमा इफ, और अगर यही सेल अब बराबर है किसके, ज़रूरी नहीं आपको जो इसमें याद रहता है वही लिखें, तो अगर यही सेल हार्डवेयर के बराबर है तो उसकी फ़ीस है 3000, ठीक है, कॉमा, और अगर यही सेल अब बराबर है किसके, C++ के, इन्वर्टेड कॉमास C++ के बराबर है तो कॉमा कितनी फीस है, कॉमा, और अगर यही सेल अब बराबर है किसके, डेटाबेस के, तो कॉमा उसकी फीस, मिसाल हमने कितनी रखी है, 2500, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए, कॉमा, और लास्ट कॉमा, और अगर यही सेल अब बराबर है कौन से नेटवर्किंग, तो देखिए इस तरह मैं कर सकता हूँ, नेटवर्किंग के बराबर है तो कॉमा उसकी फीस है 6000, और फिर आप कॉमा लगा के इधर आप लिख सकते हैं कि सेलेक्ट योर एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से जब आप इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे यहाँ तक, तो देखें बाकी के लिए क्या आएगा, सेलेक्ट यूर कोर्स, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई, ठीक है ना। तो देखिए आंसर ये इस तरह है कि इसके साथ सारी बात की इस सेल की बुनियाद पे है कि अगर ये वाला सेल, देखें यहाँ पे ये वाला सेल अगर बराबर है किसके, एम एस ऑफिस के, तो 3500 है, यही सेल बराबर है हार्डवेयर के तो 3000 है, यही सेल बराबर है C++ के तो 5000 है, और अगर डेटाबेस के बराबर है तो देखें जब यहाँ पे हमने इंटर का बटन प्रेस किया तो पहले हार्डवेयर चेक हुए एम एस ऑफिस के साथ, ये तो बराबर नहीं है, फिर लेकिन दूसरे ऑप्शन पे बराबर हो गए हैं, तो जैसे ही बराबर हो गए आगे हमने क्या लिखा हुआ है 3000, तो इसलिए 3000 आ गया। अब नीचे आ जाएँ, एक और बंदा आ गया कोर्स, क्या नाम है, नसीम, ठीक है, अच्छा कौन सा कोर्स करना चाहते हो, मिसाल वो कहते हैं कि मैं C++ करना चाहता हूँ, 5000,
ऑटोमेटिकली उसकी फ़ीस आ जाएगी। ठीक है, इस तरह एक और बंदा आ गया, कौन सा कोर्स, एम एस ऑफिस 3300, कितनी नेटवर्किंग 6000, हार्डवेयर डेटाबेस 2500, एम एस ऑफिस। ठीक है, और जो खाली सेल होगा वो तो वैसे भी आगे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट योर कोर्स। तो देखिए मैं इस तरह कर सकता हूँ, और जब अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं मेरे साथ इतनी बंदे होंगे, इसके अलावा मैं ज़्यादा बंदे नहीं लूँगा, बस 14 बंदे जब पूरे हो जाएँ तो बाकी मैं फिर मिसाल नहीं लूँगा। तो यहाँ पे देखें कोई भी आप सेलेक्ट करते जाएँ और उसको ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, ऑल्ट इक्वल और इंटर, तो टोटल मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी पीसेम हुई है, 55,500। मैं इस तरह कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी इसके ज़रिए हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जिसके आप इस तरह कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल आप लोग खुद ही बना रहे, वो इस तरह, यहाँ पे सीरियल नंबर नेम और यहाँ पे आप लिखें कि विलेज, ठीक है ना। अगर विलेज है मिसाल के तौर पर जंगल हिल, तो डिस्ट्रिक्ट उसका पार्ट आना चाहिए, हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँ, ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पे पार्ट आ जाए। इस तरह देखें, उस तरफ मिसाल के तौर पर मंजूरी में सेलेक्ट करता हूँ, तहसील लिख लें, चलो तहसील ऑटोमेटिकली उसकी क्या आ जाएगी, लाची आ जाएगी। इस तरह बंड दाऊद शाह उसका करक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह किया जा सकता है, 3-4 आप शामिल कर दें इसमें।